हेलो एवरीवन, तो ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल जिसकी कीमत है 16 लाख ऑन रोड दिल्ली में। देख सकते हैं आप, काफ़ी अपराइट स्टांस है ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रॉपर लेड्रोन फ्रेम एसयूवी है। दो हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं हमें इसमें, नीचे फोग लैम्प्स दिए गए हैं, बट ये एक्सेसरी का पार्ट है। फ्रंट ग्रिल को ब्लैक फिनिश में दिया गया है, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ महिंद्रा का लोगो आप देख सकते हैं। नीचे क्लैडिंग का डिज़ाइन दिया गया है, वो भी ब्लैक में दिया गया है। टायर अब चेक कर लेते हैं। इस कार में वैसे हमें स्टील रिम व्हील्स मिलते हैं, बट ये एक्सेसरी का पार्ट लगा हुआ है महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरीज की तरफ से, अलॉय व्हील्स। ORVM हमें रफ ब्लैक फिनिश में मिलता है। हाँ, इंडिकेटर्स इस पे ज़रूर दिए गए हैं, बट बॉडी कलर ये प्रोवाइड नहीं किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड स्टेप लगा हुआ है, बट अगेन ये एक्सेसरी का ही पार्ट है। और टॉप में हमें रूफ रेल्स मिल जाती है, जो कि अगेन एक एक्सेसरी का पार्ट है। बेस मॉडल में हमें रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं। चलिए बैक से कार को चेक कर लेते हैं। बैक से भी काफ़ी अपराइट लगती है ये SUV, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आता है। टॉप में शार्क फिन एंटीना दिया गया है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, LED टेल लैंप दी गई है, डिफोगर वाइपर वॉशर इस वेरिएंट में हमें नहीं मिलते हैं। और नीचे हमें दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। अगेन जो बम्पर गार्ड लगा हुआ है वो एक्सेसरी का पार्ट है, वो इस कार में नहीं आता। चलिए बूट ओपन करके देख लेते हैं। अंदर अगेन रफ ब्लैक फिनिश दी गई है। डोर हैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लैक कलर में ही दिया गया है वो भी। अभी सीट को फोल्ड किया हुआ है लास्ट रो जो है, तो थोड़ा ठीक ठाक स्पेस हमें बूट में मिल रहा है, बट अगर हम रियर सीट यूज़ करना चाहते हैं तो बूट बहुत यूजेबल आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत ही मिनिमल सा इसमें स्पेस दिया गया है। एक पावर आउटलेट भी प्रोवाइड की गई है बैक में, तो आप अपने एक्सेसरीज वगैरह, टायर इन्फ्लेटर वगैरह यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए टूल किट इसकी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सारी टूल किट प्रोवाइड की गई है, जो कि काफ़ी नीटली यहाँ पे टक की गई है। और इसका स्पेयर टायर हमें यहाँ बूट में नहीं मिलता है, वो हमें मिल जाता है कार के नीचे, जो कि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। देयर इट इज़। चलिए अब चलते हैं फ्रंट में और इसका इंटीरियर चेक कर लेते हैं। ड्राइवर साइड थोड़ा स्पेस का इशू था, तो हम पैसेंजर साइड से यहाँ एंटर करने वाले हैं। बेसिकली ड्राइवर साइड सीट पे हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती है, वो फोर वे एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाएंगी। डोर चेक कर लेते हैं, तो ड्यूअल शेड में यहाँ इंटीरियर दिया गया है, जिसमें ब्राउन एंड ब्लैक यूज़ किया गया है। सब जगह हार्ड प्लास्टिक ही यूज़ किया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल इसमें नहीं यूज़ किया गया। ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, काफ़ी स्टर्डी जो लगते हैं। नीचे स्टोरेज स्पेस काफ़ी कम दिया गया है, आप छोटी बोतल रख सकते हैं पानी की, 1 लीटर बोतल भी शायद नहीं आ पाएगी। फैब्रिक में इसकी सीट्स दी गई हैं ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में। अगेन डैशबोर्ड पे भी सब जगह हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। हाँ, थोड़ा स्टिचिंग का डिज़ाइन ज़रूर दिया गया है, जिससे इस पर थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल वाला लुक मिल जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कंपनी की तरफ से ही 8 इंच की आपको टच स्क्रीन में मिल जाती है। मैनुअल एसी के कंट्रोल्स, हजार लाइट का स्विच आप देख सकते हैं। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने का फीचर दिया गया है। उसके अलावा USB टाइप ए और एक 3.5 mm जैक आपको मिल जाता है। कुछ स्टोरेज स्पेस दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग इसमें अवेलेबल नहीं है। पार्ट डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, इसमें मिड में छोटी सी एक स्क्रीन दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे विंडो के कंट्रोल्स। ORVM में आपको मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए कोई बटन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है हमें इसमें, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। हेडलाइट के कंट्रोल्स स्टीयरिंग के नीचे आप देख सकते हैं राइट साइड में, और वाइपर के कंट्रोल्स हमें लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं। जहाँ भी आप टच करोगे सब जगह हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल कहीं भी इसमें यूज़ नहीं किया गया है। मिड में आप देख सकते हैं मैनुअल गियर नॉब, ऑब्वियसली बेस वेरिएंट है मैनुअल। दो कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और आर्म रेस्ट इसमें दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट आर्म रेस्ट भी हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है, कोई सॉफ्ट मटेरियल इसमें यूज़ नहीं किया गया। अंदर कुछ स्टोरेज स्पेस हमें डेफिनेटली मिल जाता है, आप अपने फ़ोन वगैरह कीज वगैरह रख सकते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM इसमें दिया गया है, और मिड में एक रीडिंग लाइट मिल जाती है। चलिए इस मॉडल के कुछ सेफ्टी फीचर्स की अब बात कर लेते हैं। अगर सेफ्टी फीचर्स में हम देखें तो इसमें दो एयरबैग मिल जाते हैं, ABS विद EBD अवेलेबल है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मिल जाएंगे, इंजन इमोबिलाइजर अवेलेबल है, और स्पीड अलर्ट का फंक्शन भी आपको मिल जाता है।
चलिए बैठते हैं कार के बैक सीट पे और चेक करते हैं इसका कंफर्ट। अगेन हमें अच्छा सा स्टडी डोर हैंडल दिया गया है, नीचे छोटी सी बोतल रखने का स्पेस मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक पीछे भी सब जगह यूज़ किया गया है, विंडो के कंट्रोल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस कार में बैठना इज़ अ टास्क क्योंकि हाइट थोड़ी ज़्यादा है, मैडी की हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग हम जज करेंगे रियर सीट का कंफर्ट। अच्छा खासा नी रूम यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया लेग रूम मिल जाता है, हेड रूम की कोई कमी नहीं है, 6.5 भी अगर कोई होगा वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ सकता है कंफर्टेबली। 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, मिड में भी हेडरेस्ट दिया गया है बट वो सैडली एडजस्टेबल नहीं है, और उसके अलावा मिड में हमें आर्म रेस्ट मिल जाता है इस वेरिएंट में ही, पता नहीं आप वीडियो में देख पा रहे हैं या नहीं बट वो अवेलेबल है। यहाँ पे हमें स्प्लिट एसी वेंट्स मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए, और उसके नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट देना चाहिए था नहीं दिया, बट एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जरूर मिल जाता है यहाँ पे, और कुछ ऐसा मिलता है रियर से डैशबोर्ड का लुक। टॉप मॉडल में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फीचर अवेलेबल होते हैं बट ये भी एक काफ़ी फंक्शनल बेस मॉडल है, आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डू हिट दैट लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और शोरूम की डिटेल्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर बेस्ट ऑफर्स। और अगर आप चाहते हैं अपनी कार को हमारे चैनल पर फीचर करना या आप चाहते हैं अपनी कार का लॉन्ग टर्म रिव्यू देना तो आप हमारी ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।